हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज 13.7 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9। ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। ठीक है, तो डायमीटर हमें दिया हुआ है इक्वल टू 3.5 मीटर। ठीक है, इसको अगर हम रेडियस फाइंड करेंगे यहाँ से, तो रेडियस आ जाएगी हमारी आर इक्वल टू 3.5 बाई 2, दैट मीन 1.75 मीटर। ठीक है, एंड हाइट डेप्थ दी है, तो जो डेप्थ होगी वो हाइट के इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहां से डेप्थ इक्वल टू हाइट h 12 मीटर। ठीक है, एंड कैपेसिटी, कैपेसिटी फाइंड करनी, मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/3 पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर हमारा आ जाएगा यहाँ से 1.75 का होल स्क्वायर इंटू, ठीक है, और h की वैल्यू हमें 12 दे रखी है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से 1 कैंसिल हो जाएगा 4। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम 38.5 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 38.5 इंटू 1000 लीटर। किलो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 38.5 कैपेसिटी इन किलो लीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।